क्या आपको पता है रोलेक्स की सबसे आइकॉनिक एंड पॉपुलर वॉच किसकी रिक्वेस्ट पे बनाई गई थी? वैसे तो फर्स्ट जीएमटी वॉच 1953 में ग्लिनसन एएमएन ने बनाई थी, जिसमें 24 आवर्स का रोटेटिंग बेजल सेकंड टाइम जोन को दिखाता था। पैन अमेरिकन एयरवेज ने रोलेक्स को रिक्वेस्ट करा कि वो उनके पायलट्स के लिए वॉच बनाए जो टू टाइम जोन एक ही बार में दिखाती हो। इस जीएमटी मास्टर का केस साइज 38mm था, जो स्टेनलेस स्टील की घड़ी थी और 50 meters तक वाटर रेजिस्टेंट थी। इसका बैकलाइट बेजल इंसर्ट 24 आवर्स की मार्किंग पर ल्यूमिनेसेंट रोडियम पेंट के साथ आता था। इसके बेजल का कलर ब्लू एंड रेड था, जिसको पेप्सी के नाम से जाना जाता था। डायल पर 12 घंटे के मार्कर के इस्तेमाल करने की जगह पायलट्स की इच्छा अनुसार सेकेंड टाइम जोन या जीएमटी में टाइम दिखाने के लिए बेजल पर एनग्रेव 24 आवर्स के स्केल का उपयोग किया गया। इस वॉच में क्राउन गार्ड भी नहीं आता था। इस घड़ी का निकनेम पूसी गलौर पड़ गया था, जब इस नाम के कैरेक्टर ने ये घड़ी जेम्स बॉन्ड की मूवी गोल्ड फिंगर में पहनी थी। इसके बाद 1959 से लेकर 1980 तक जीएमटी मास्टर में काफ़ी चेंजेस किए गए। 1971 में कैलिबर 1565 मूवमेंट की जगह कैलिबर 1575 मूवमेंट का इस्तेमाल किया गया, जो कि 18,000 वाइब्रेशन पर आर की जगह 19,600 वाइब्रेशन पर आर पे बीट करती थी, और ट्रिशियम ल्यूमिनेसेंट मटेरियल यूज़ करा जाने लगा डायल मार्कर्स पर। इसके बड़े केस साइज की प्रेजेंस के साथ क्राउन गार्ड दिए गए और जीएमटी हैंड को बड़े ट्रायंगल पॉइंटर से बदला गया, जहां इसके डायल को ऑफिशियली सर्टिफाइड क्रोनोमीटर से बदलकर सुपरलेटिव क्रोनोमीटर ऑफिशियली सर्टिफाइड भी कर दिया गया। इसके थिक केस साइज और थिकर क्राउन गार्ड की वजह से इसको फैट लेडी के नाम से भी जाना गया है। ये सिर्फ स्टेनलेस स्टील में सफायर क्रिस्टल के साथ ब्लैक एंड रेड कलर के एल्युमिनियम बेजल में आती थी, जो कि कोक नाम से भी जानी जाती है। 2007 में रोलेक्स ने एल्युमिनियम बेजल इंसर्ट को हटाकर सिरेमिक बेजल इंसर्ट इंट्रोड्यूस किया अपनी GMT2 मास्टर रेंज में। फिर काफ़ी R&D के बाद इन 2013 रोलेक्स हैज़ क्रिएटेड द फर्स्ट टू टोन सेराक्रोम बेजल इंसर्ट इन ब्लू एंड ब्लैक, जिसको कि हम बैटमैन के नाम से जानते हैं। In 2014, Rolex was able to create the red color, which is known as Pepsi for its red and blue bezel color. Although, in order to recoup the higher cost for this bezel, it was initially available in white gold GMT. 2018 में Rolex ने caliber 3285 movement introduce करी, जो Paraflex shock absorber के साथ 70 hours का power reserve भी देती है, जिसका reference number है 126710 BLRO. And in 2019, Rolex issued 126710 BLNR Batman with caliber 3285 movement in Jubilee bracelet. In 2021, Rolex reissued the Oyster bracelet as well in both the colors red and blue and black and blue. ये ऊपर नहीं लग रहा है, मैं ऊपर देख रहा हूँ। अच्छा, आपको सुनना भी वैसे लाइन में बता दिया कि जगह उसको है ना, 1000 व्यूज पे ले लूंगा। वैसे स्क्रिप्ट कैसी है? नहीं, मजाक था ना। क्या रिलेशन है, आइए जानते हैं।